जाओ जाओ पिज़्ज़ा जल्दी जाओ, डर के मारे वापस भागती भी आओगी। आ गया। लेकिन ये एकदम से इतना बड़ा कैसे हो गया? कौन हो तुम? अब कहाँ जाओगी बच के? मैंने तो इसे कहा था सिर्फ डराना है, लेकिन ये तो लड़ने लग गया है। हटो मेरे रास्ते से, जाने दो मुझे। ये हो क्या रहा है? अब तो मैं तुम्हें लेके ही जाऊंगा, चलो मेरे साथ। पीछे। ये क्या कर रहे हैं? तो आओ जरा। तुम अगर तुम इधर हो तो वहाँ कौन है? अरे भाई कहाँ कौन है? तुम मेरी बहन के पास उसको डराने के लिए नहीं गए? अरे भाई पूछ रहे किसको डराना था, डराना जा रहा तुम्हारा? इसका मतलब वो कोई और डाकू है पिज़्ज़ा के पास? नहीं मैंने क्या कर दिया, फिर गलत हो गया भाई। हरीम आप यहाँ कैसे? भाई जहाँ आप वहाँ मैं। भाई आप पहले ये तो बताओ आप यहाँ कैसे? वो हरीम मुझसे ना गलती हो गई। ओ फिर आपने कुछ कर दिया ना? भाई मैंने आपको मना किया था फिर कुछ गलत ना करना, आपने नहीं सुनी। अब हो गया ना मसला, अब बताए क्या हुआ है? वो हरीम प्लीज हरीम अब आप मुझे और फिज़ा को बचा सकती हो? प्लीज हरीम मुझे बताओ मैं क्या करूं? प्लीज भाई मैं क्या करूं? ऐसा करते हैं मेहरू अप्पी के पास और असदुल्ला भाई के पास चलते हैं। हाँ ये आप सही कह रही हो, मुझे सब कुछ छोड़ के उनको पहले बताना होगा। चलो हरीम हमें देर नहीं करनी चाहिए, चलो जल्दी। चलो भाई। यार किधर हो मेहरू? चलो। अरे अयान आप और हरीम आप भी, पिज़्ज़ा कहाँ है? पिज़्ज़ा नहीं आई। ओ भाई बोलो। वो असदुल्ला फिर से मुझसे ना एक बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या अब क्या कर दिया? एक मिनट रुको रुको,
फिर से तुमने कोई फिजा के साथ पंगा तो नहीं किया ना? फयान आप कभी नहीं सुधरोगे। असदुल्ला प्लीज प्लीज असदुल्ला मेरी बात सुना, मैं इसलिए आप लोगों के पास आया हूँ ताकि आप मेरी हेल्प करो। असदुल्ला अब मुझे एहसास हो गया, वो गुस्से में पागल हो गया था। आप हमेशा यहाँ यही कहते हो कि मुझे एहसास हो गया, मुझे एहसास हो गया, लेकिन आपको कभी एहसास नहीं होता। कितनी दफा आपको समझाया है कि बहन भाइयों में लड़ाई होती रहती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी हद पार कर दो। मुझे अब तफसील से बताओ कि हुआ क्या है और फिजा कहाँ पे है। वो ऐसा है कि क्या? उफ बयान, आपको नहीं पता कि कितनी बड़ी मुसीबत में आप भी फंस गए हो और फिजा को भी फंसा दिया है। उफ मैं क्या मदद करूं आपकी अयान। अरे अयान आप, अरे हरी माफ भी हो तो फिजा कहाँ पर है? अरे फिजा का ना ही पूछो तो अच्छा है, इसने जो किया ना फिजा के साथ। क्या इसने फिर कुछ कर दिया फिजा के साथ? फयान मेहरू मैं बताता हूँ इसने फिजा के साथ किया क्या है, अब आया हमसे मदद मांगने। अयान प्लीज अपने अंदर ये गुस्से की आदत को खत्म करो। अगर आप वादा करते हो कि मैं अपनी बहन के साथ कुछ भी बुरा नहीं करूंगा तो हम आपका साथ देंगे। हाँ मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि मैं उसको कभी तंग नहीं करूंगा, पक्का वादा करता हूँ मैं। असद इस पे भरोसा कर लिया जाए। याद रखना अयान, अगर आज के बाद आपने अपना कभी वादा तोड़ा तो हम आपका साथ नहीं देंगे। डन हो गया। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपने उस गाड़ी का नंबर नोट किया था? हाँ हाँ मैंने नोट किया था, उसका नंबर था 1171। असदुल्ला आपको पता है कि गाड़ी किसकी है? पता तो नहीं है लेकिन पता करवा लेंगे। चलो मेरे भाई जल्दी चलो। ये तो वही ग्रे कलर की गाड़ी है और नंबर भी वही है। हाँ इसका मतलब है उस लड़के ने हमें सही बताया था। हाँ सुतला मैं सच कह रहा हूँ, ये वही गाड़ी है। और चल के देखते हैं फिजा को। चलो फिर देखते हैं। चलो चलो ठीक है। वो देखो बच्चों फिजा का बैग। हाँ क्या आपको पक्का है कि ये फिजा का बैग ही है? हाँ हाँ मुझे पक्का पता है कि ये फिजा का ही बैग है, लगता है ये आसपास ही होगी। चलो देखते हैं। लेकिन हमें फैल जाना चाहिए, दो इस साइड पे दो उस साइड पे। हरीम और मैं इस साइड पे रहते हैं, आप दोनों उस साइड पे जाओ। चलो ठीक है ठीक है। चलो अरे रुको मेहरू, यहाँ से तो हम आए हैं। हाँ असदुल्ला हम वापस क्यों जा रहे हैं, हमने तो फिजा को ढूंढना था। हाँ मेहरू हमें वहाँ जाना चाहिए फिर फिजा को ढूंढने। चलो आज तो बड़ा ही खतरनाक लगा है, मजा आएगा आज। चलो कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करके आता हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है। ताला तोड़ोगे? अरे भागो से मेरे को। तुझे तो मैं वहीं बंद करूंगा जहाँ तेरी बहन बंद है। चलो अंदर। चलो अंदर। चल इधर। बाबा आप, अब आप डाकू मंगल सिंह कब से बन गए? बेटा जब से आप शैतान बने हो। जी कैसा लगा हमारा मजाक? जी
तो बेटा जी, तो क्या आप ही अकेले शैतानी बन कर सकते हो? हम भी हैं यहाँ भी। अरे बाबा, आप मुझे ये बताएं कि ये हो क्या रहा है? मैं पागल हो जाऊंगा। आप पागल हो जाओगे? तो मैं बताता हूँ फिर आपको कि आपने जो प्लान किया था डाकू से मिलके फिजा को फंसाने के लिए, याद है आपको? ये तो मेरी बेटी ने देख लिया था और उससे मुझे सब बता दिया। फिर हम लोगों ने आपको सीधा करने के लिए मैरू और असदुल्ला से रब्ता किया और प्लान किया सारा ये, ताकि आपको अकल दी जाए। और मुझे इन लोगों ने बताया कि आप पहले भी ये हरकतें कर चुके हो और इस तरह की प्लानिंग गलत किस्म की करते रहे हो, फिजा को मैरू को लड़ाने वाली इस तरह की और दूसरी हरकतें। और फिर हम लोगों ने प्लान किया, आप ऐसे सीधे नहीं होगे, आपको सीधा करने के लिए हमें कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। और यही वो प्लानिंग थी कि जिससे आपको सीधा किया जा सकता था। सही कह रहे हैं बाबा, मैंने बहुत गलत किया। लेकिन बाबा, फिजा कहाँ है? फिजा भी आ जाती है। आ जाओ फिजा। मैं नीचे आ रही हूँ यार। हाँ भैया यार, आ गए ना दिन में तारे नजर। यकीनन आ गए होंगे फिजा। हाँ फिजा, मुझे तो कुत्ते बिल्ली जुगनू सब नजर आ गए, लेकिन ये जो आपने हरकत की है इससे फिजा नहीं, आप तो स्पाइडरमैन बन गई हो। आपको नजर आने थे। नहीं, स्पाइडर वुमन। हाँ जी। हाँ यार, आप नहीं सुधरने वाले। इतनी बड़ी गेम खेल लिया अगर मेरे साथ। तो जो गेम आप खेल रहे थे वो क्या था? वो हाँ भाई, मैं हार गया क्योंकि आप 5 चार, मैं अकेला था। अब मैं क्या करूँ? अयान, आप अकेले नहीं थे, आपके साथ शैतान था जो आपको बहका रहा था। जी फिजा, आप ठीक कह रही हो, आज से मैं अपना शैतान बाहर निकालूंगा। इतना बड़ा शैतान? अब इतने बड़े शैतान को कहाँ से भगाए? कोई नहीं फिजा, अब रमजान आ रहे, सारे शैतान भूत चुड़ैले निकल जाएंगी। आप सबको भी रमजान मुबारक। मुबारक हो। सबने रोजे रखने हैं, नमाजें पढ़नी है, जितनी हो सके इबादत करनी है, ना सिर्फ आपने, हम सब ने भी। और ये इबादतों का महीना है, बरकतों का महीना है, हम सब ने इसमें ये ज्यादा से ज्यादा अजर लेना है, सवाब हासिल करने की कोशिश करनी है। जी। हम लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से कंटेंट लेके आए, और इंशाल्लाह हम सब पूरे रोजे रखेंगे। शाबाश, मुझे लग रहा है हरीम भी सारे रखेगी। और शैतान का क्या होगा? ये शैतान, शैतान का क्या होगा? मैं भी पूरे रोजे रखूंगा, ये तो सिर्फ एक कंटेंट के लिए मैं शैतान बना था। अच्छा, लेकिन असली में शैतान? चलो जी, मेरे ये मेरे शागिर्द हैं। महीने के लिए हम लोग ढूंढने के लिए।